रीवा के सेंट्रल जेल में एसपी कलेक्टर पहुंच गए औचक निरीक्षण करने। इस दौरान उनके साथ रीवा के तमाम थानों के टीआई और भारी पुलिस बल शामिल था। कलेक्टर रीवा का कहना था, ये हमारा औचक निरीक्षण है। हालांकि हम आपको बता दें, पिछले दिनों ही एक परिवार ने, जब उनके परिजन की मौत हो गई थी, तो उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका साफ तौर से कहना था, कुछ लोग पैसा लेकर मिलवाने का काम करते हैं, पैसा ना देने पर लोगों के साथ जो जेल में बंद हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। हालांकि कलेक्टर रीवा ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। रीवा के एसपी कलेक्टर पहुंच गए सेंट्रल जेल औचक निरीक्षण में। कलेक्टर रीवा से जब पत्रकारों ने पूछा, तब उनका कहना था, हम लोग समय समय पर इस तरीके का निरीक्षण करते रहते हैं। हमारी टीम ने बैरक की भी तलाशी ली है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं पाई गई। हमारी टीम पूरी तरीके से संतुष्ट है। हालांकि पिछले दिनों एक कैदी की मौत के बाद परिजनों ने जेल व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया था। उन्होंने साफ तौर से कुछ लोगों के नाम लेकर आरोप भी लगाए थे, मिलवाने के लिए पैसा चाहिए। इस निरीक्षण को उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने इस बात को पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया। उनका साफ तौर से कहना था, समय समय पर हमारी टीम औचक निरीक्षण करती रहती है, जिससे जेल की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें, वहां कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, जिसके चलते हम यह निरीक्षण करने आए थे। आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कोई मसला नहीं, रूटीन का जेल का इंस्पेक्शन आज हम लोगों ने किया है, ताकि जेल की व्यवस्थाएं और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है, और पूरे जो बैरक्स हैं उनकी टीम ने छानबीन की है कि कोई आपत्तिजनक वस्तु तो वहाँ नहीं है। कुल मिलाकर चीज़ें ठीक पाई गई हैं और इस तरह के इंस्पेक्शन लगातार होते रहेंगे। क्या जानकारी मिल रही है किसी अपराधी को यहाँ से किया जाने? नहीं, इससे कोई इस इंस्पेक्शन का लेना देना नहीं है, रूटीन का इंस्पेक्शन है, और इस तरह के इंस्पेक्शन हम लोग औचक तरीके से लगातार करते भी रहते हैं और आगे भी करते हैं।